चलिए गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्नेक पोयम का क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि कल इस पोयम का ऑब्जेक्टिव भी समाप्त हो गया था और सारा चीज समाप्त हो गया। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। सिर्फ मैं समझाऊंगा और आप जो है हिंदी ध्यान से समझ लोगे, रटने में सुविधा होगी। आज जो है इसका पीडीएफ स्टडी मटेरियल डाल दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर के रूप में, यानी कि स्टडी मटेरियल में आप देखिएगा पीडीएफ डाला रहेगा, शाम तक मैं डाल दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है बाबू, और बहुत इजी क्वेश्चन, 11-12 क्वेश्चन है जिसमें 4-5 क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको देखते देखते याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव कल ही हो गया, ऑब्जेक्टिव कल ही हो गया, तो देखते हैं बाबू क्वेश्चन आंसर। कहता है वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक, मीट मिस होता है बाबू मिलना। कहता है वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक, वेयर मिस होता है कहां, स्पीकर मिस वक्ता, मीट द स्नेक वक्ता कहां मिले सांप से। बहुत आसान क्वेश्चन, कोई भी बच्चा इसको आसानी से बता सकता, बस एक शब्द याद रखना, सबको पता होगा वक्ता सांप से मिले थे अपने वाटर ट्रफ के पास, यानी कि अपने पानी के हौज के पास। वक्ता सांप से मिले थे वाटर ट्रफ के पास, अपने पानी के हौज के पास। कुछ नहीं करना, द स्पीकर सब्जेक्ट हो जाए, ये डिड जब हटता है बाबू तो यह भर्व आपका भीटू हो जाता है, तो ये गलत है, मीट का भीटू मेट होता है। द स्पीकर मेट, द स्नेक है द स्नेक, कहां मिले थे अपने पानी के हौज के पास, एट हिज वाटर ट्रफ। दो बार सुन लीजिएगा, इतना आसान क्वेश्चन, यदि आपको यह भी नहीं याद होता तो फिर आपको कुछ नहीं याद होगा। कहता है वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक, कहां वक्ता मिले थे सांप से, तो वक्ता सांप से मिले थे अपने पानी के हौज के पास। अभी पढ़ो टेस्ट होगा, बता दूंगा, अभी पढ़ चुका। वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक, वक्ता कहां मिले थे सांप से, तो वक्ता सांप से मिले थे अपने पानी के हौज के पास, तो एट हिज वाटर ट्रफ। बस यही आंसर है मेन रूप से, ये ऑब्जेक्टिव लाइफ क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन से मैंने उठा लिया। द स्पीकर सब्जेक्ट हो गया, ये डिड हटा, वर्ब भी टू, मीट का भी टू मेट, किससे मिले सांप से, द स्नेक कहां अपने पानी के हौज के पास, एट हिज वाटर ट्रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कहता है भाई हैड इट कम, भाई मिस होता है क्यों, इट कम क्यों यह आया था, कौन सांप। अभी आप आंसर नहीं देखेगा, क्वेश्चन देखेगा बाबू, भाई नेक्स्ट बार से आंसर मिटा दूंगा पहले, उसके बाद आंसर पहले हिंदी में बता दूंगा तब लाऊंगा इसको। भाई हैड इट कम क्यों यह आया था, ऑफ आउट ऑफ इट्स होल, अपने बिल से बाहर, नियर द ट्रफ, हौज के पास। क्वेश्चन कह रहा कि भाई हैड इट कम क्यों यह आया था, आउट ऑफ इट्स होल, अपने बिल के बाहर, नियर द ट्रफ, हौज के पास। यानी कि सांप अपने बिल के बाहर, हौज के पास क्यों आया,
काहे लाया था, सबको पता होगा, काहे लाया था? पानी पिए लाया था, ड्रिंक बाट, पानी पीने के लिए आया था। पानी पीने के लिए क्या हुआ था? क्योंकि यह क्या था? प्यासा था, बिकॉज इट वॉज थर्स्ट। बस इतना ही इसका याद रखना, बाकी तो क्वेश्चन से ही उठाऊंगा यार। कहता है भाई हैड इट कम, क्यों यह आया था? यह इट आया है स्नेक के लिए, सांप के लिए, द स्नेक के लिए। कहता है क्यों यह आया था? आउट बाहर, ऑफ इट्स होल, अपने बिल से, नियर द ट्रफ, हौज के पास। प्रश्न पूछ रहा कि सांप अपने बिल से बाहर हौज के पास क्यों आया था? तो काहे लाया था? पानी पीने के। तो पानी पीना का क्या होता है? टू ड्रिंक वाटर। सब कोई जानता है कि पानी पीना का टू ड्रिंक वाटर होता है। तो पानी पीने के लिए आया था, तो पानी पीना का टू ड्रिंक वाटर होता। काहे पानी पिए लाया था? क्योंकि यह प्यासा था, बिकॉज इट वाज थर्स्टी। चलिए देख लेते हैं बाबू। तो इट सब्जेक्ट बनेगा, इसके लिए द स्नेक, क्योंकि इट आया है स्नेक के लिए। शुरू में प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, नाउन का यूज करना है। सब्जेक्ट हो गया। एल्जुलरी वर्ब आपका हेड हो गया। कम है तो कम हो गया, आउट है तो आउट हो गया, ऑफ इट्स होल है तो ऑफ इट्स होल हो गया, नियर द ट्रफ है नियर द ट्रफ हो गया। यहां तक क्वेश्चन का ही देख लो। द स्नेक हैड कम आउट, साप आया था बाहर, ऑफ इट्स होल अपने बिल से, नियर द ट्रफ हौज के पास। अब बस इतना याद रखना कि काहे लाया था? पानी पीने के लिए आया, टू ड्रिंक वाटर हो गया। क्यों आया था? बिकॉज इट वॉज थर्स्ट, क्योंकि यह प्यासा था। वीडियो क्वालिटी ठीक है, आप अपना जो है सो क्वालिटी बढ़ा लें। 720 पर चल रहा होगा, अगर आपका नेट है तो 720 पे चलेगा। तो बाबू अभी तक सिर्फ मात्र मैंने दो क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन मैंने किया था कि वक्ता सांप से कहाँ मिले थे, तो वक्ता सांप से मिले थे एट हिज वाटर ट्रफ, अपने पानी के हौज के पास। दूसरा क्वेश्चन, क्यों यह बाहर आया था अपने बिल से हौज के पास, काहे लाया था? पानी पीने के लिए, टू ड्रिंक वाटर। क्यों आया था पानी पीने के लिए? क्योंकि यह क्या था? प्यासा था, तब बिकाउच इट वाज थर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, भाई डिड द स्पीकर, क्यों वक्ता डिसाइड टू वेट, निर्णय लिए इंतजार करने का। क्वेश्चन कह रहा भाई डिड द स्पीकर, क्यों वक्ता डिसाइड, निर्णय लिए टू वेट। अच्छा, कल एक दो दिन में क्वालिटी बढ़ेगा। अरे आवाज दोबारा कैसे आ रहा है? एक ही दो लड़का को आवाज दोबारा आता है। आप हेडफोन हटाइए, इट के बदले ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहता है भाई डिड द स्पीकर डिसाइड टू वेट, 240 पे चलाए, देखिए एक लड़का बोल रहा है 240 पे, ठीक। चलिए देखो यहां, भाई डिड द स्पीकर डिसाइड टू वेट, क्यों वक्ता निर्णय लिए इंतजार करने का। सबको पता हो वक्ता ने पानी पीने के लिए इंतजार करने का निर्णय लिया, क्यों? क्योंकि सांप पानी के हौज के पास पहले पहुंच गया था, तो सांप फर्स्ट कमर हो गए, और कभी बाद में पहुंचे तो कभी सेकंड कमर हो गए। तब जो पहले आया है वो पहले पाएगा, जब वह पाकर चला जाएगा, डेट मीन्स जब वह पानी पीकर चला जाएगा, तभी जो दूसरा बार में आया है उसको पानी पीने के लिए मिलेगा। तो हौज के पास पहले सांप आया था, तो पहले सांप पानी पी रहा था, जब वह पानी पीकर चला जाएगा, जब वह पानी पीकर चला जाएगा तब जो है सो कभी पिए, तो वही बात है बाबू। कहता है भाई डिड द स्पीकर डिसाइड टू वेट, क्यों वक्ता निर्णय लिए इंतजार करने का, क्यों? सुसमझिए। कहता द स्नेक रिच्ड एट द वाटर, सांप पहुंच चुका था पानी के हौज के पास, बिफोर द पोयर, कवि के पहले। तो जब कवि के पहले सांप पहुंच गया था, तो कवि सेकंड कमर हो गए, तो सो चाहे दस, द पोएट पाल द सेकंड कमर।
अब जब सेकंड कमर हो गए तो जो पहले फर्स्ट कमर साफ है वो पानी पी लेगा। इसीलिए स्पीकर डिड हटेगा, डिसाइड का भी टू डिसाइडेड हो जाएगा, टू बेट यहीं तक अगर आप लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं। ये तो हल्का सा मैंने बढ़ा दिया, फॉर हिज टर्न अपनी बारी का टू ड्रिंक बार पानी पीने के। एक बार और बता देता, कहता है भाई डिड द स्पीकर डिसाइड टू बेट, क्यों बकता इंतजार किए, क्यों बकता निर्णय लिए इंतजार करने का, क्यों लिया? क्योंकि सांप पानी के हौज के पास कभी से पहले पहुंच चुका था। तो सांप पहुंच चुका था तो सांप का द स्नेक होगा, पहुंच चुका था रिचड हो, कहां पानी के हौज के पास एट द वाटर ट्रंक, किससे पहले, कभी से पहले, बिफोर द पोए। अब जब कभी से पहले पहुंचा तो इस प्रकार दस कभी द्वितीय आगंतुक हो गए, द पोएट बाज द सेकंड कमर। अब जब पोएट सेकंड कमर हो गए इसलिए उन्होंने निर्णय लिया इंतजार करने का, सो द स्पीकर डिड हटा डिसाइडेड टू पे फॉर हिज टर्न टू ड्रिंक बार। क्वेश्चन नंबर फोर, भाई हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर, हाउ डिड द स्नेक, कैसे सांप पिया पानी। थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर लंबा, खैर आपको याद हो ये देखना, जिस पेज में स्नेक पोयम स्टार्ट होता है उसके बाद वाला पेज का लास्ट पैराग्राफ में पूरा दिया, आपको पता होगा पहले पॉइंट उठाइए कैसे कैसे सांप पानी पिया था। तो सांप पानी पिया था मवेशियों की तरह अपने सीधे मुंह से, सांप पानी पिया था किसकी तरह, मवेशी की तरह। एक क्वेश्चन आया था, इट लिफ्टेड, एक लाइन आया था, इट लिफ्टेड इट्स हेड फ्रॉम इट्स ड्रिंकिंग एच कैटल डू, इसने उठाया अपने सर को पीने से जैसा मवेशी करते हैं, यानी कि सांप पानी पी रहा था मवेशी की तरह। सबसे पहले इसने अपने सर को उठाया और चारों तरफ देखा, या तो कवि को देखा भेजवली पूर्वक और अस्पष्टता पूर्वक, फिर उसके बाद फिलिकर्ड झिलमिलाया अंदर बाहर किया अपने दोधारी जिह्वा को अपने होठों से, और एक क्षण के लिए सोचा कि क्या यह कभी मुझे मारे। उसके बाद फिर झुका और थोड़ा सा ज्यादा पानी। तीन लाइन हिंदी में याद रखना बाबू, बस कमर मिस होता आगंतुक आने वाला, तीन लाइन हिंदी में याद रखना। एक लड़का कर रहा है ये सब फालतू में कमेंट कर रहे हैं विकास कुमार कि तीन नंबर समझ में नहीं आया, तीन नंबर में कोई जान ही नहीं था, क्यों निर्णय लिया इंतजार करने का, तो सांप पहले पहुंचा था तो पहले पानी पिएगा तब कभी पिएंगे, इसलिए वो इंतजार करने का निर्णय ली। तो याद रखना है कि सांप जो पानी पी रहा था मवेशी की तरह, जिनको नहीं समझ में आ रहा है पहले पोयम पढ़े, सांप पानी पी रहा था मवेशी की तरह अपने सीधे मुंह से। दूसरा लाइन ये याद रखना कि इसने अपने सर को उठाया अपने पीने से और कवि को देखा भेजवली पूर्वक, इसने उठाया अपने सर को अपने पीने से और कवि को देखा भेजवली पूर्वक अस्पष्टता। सबसे पहले कवि को देख, उसके बाद अपने जिह्वा को, टू जो उसकी दो धारी जिह्वा होती है टू फोर टन, उसको अंदर बाहर किया अपने होठों से, फिर एक क्षण के लिए सोचा और फिर थोड़ा सा और ज्यादा पानी पिया। चलिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा द स्नेक, तो सांप पानी पिया पास्ट टाइम भेटो का प्रयोग करना, तो द स्नेक डिड हटेगा, ड्रिंक का भी टू ड्रैंक हो जाएगा, वाटर है तो वाटर, यहां तक तो क्वेश्चन का ही उठा है।
अब पानी पिया था किसकी तरह, कैटल की तरह, मवेशी की तरह, तो लाइक द कैटल। अपने सीधे मुंह से विथ इट्स स्ट्रेट माउथ, फर्स्ट लाइन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो अगर हल्का सा भी ध्यान दे रहे हो। सबसे पहले द स्नेक डिड हटा ड्रिंक का बी टू ड्रैंक वाटर, किसकी तरह, मवेशी की तरह, लाइक द स्नेक हो गए, ऑफ लाइक द स्नेक हो गए। अपने सीधे मुंह से विथ इट्स स्ट्रेट माउथ, पानी पीने के दौरान अपने सर को उठाया, इट सांप के लिए उठाना का लिफ्ट होता, इट लिफ्टेड इट्स हेड फ्रॉम इट्स ड्रिंकिंग, अपने पीने से, और देखा कवि को विजुअली पूर्वक, एंड लुक्ड एट द पोएट विजुअली, विजुअली अस्पष्टता पूर्वक, अनजान निगाहों से। अभी तक सिर्फ दो लाइन हुआ है बाबू कि सांप पानी पिया मवेशी की तरह, तो सांप पानी पिया तो सांप का द स्नेक हो गया, पीना का ड्रिंक, ड्रिंक का भी टू ड्रैंक हो गया, पानी पिया वाटर, मवेशी की तरह लाइक द कैट। यहां तक क्वेश्चन का है, अपने सीधे मुंह से विथ इट्स स्ट्रेट माउथ, पानी पीने के दौरान इसने उठाया अपने सर को, इसने किसने, सांप ने, सांप के लिए उठाना का लिफ्ट, लिफ्ट का भी टू लिफ्टेड हो गया, इट लिफ्टेड अपने सर को, इट्स हेड अपने पीने से, फ्रॉम इट्स ड्रिंक, और कवि को देखा विजुअली पूर्वक, एंड लुक्ड एट द पोएट विजुअली। उसके बाद अपने जिह्वा को झिलमिलाया, झिलमिलाना का फ्लिकर होता है, फ्लिकर का भी टू फ्लिकर्ड होता, तो इट फ्लिकर्ड, यह झिलमिलाया, झिलमिलाना डेट मीन्स अंदर बाहर करना, अपने दो धारी जिह्वा, इट्स टू फोर्क्ड टंग, अपने होठों से विथ इट्स लिप्स, इट फ्लिकर्ड, यह झिलमिलाया अपने दो धारी जीवा को, इट्स टू फोर्क्ड टंग विथ इट्स लिप्स, और सोचा एक क्षण के लिए, एंड म्यूज्ड फॉर ए मोमेंट, म्यूज मिस होता है बाबू सोचना, और इसके बाद थोड़ा सा और ज्यादा पानी पिया, आफ्टर दिस इट्स ड्रैंक ए लिटिल मोर वाटर, आफ्टर दिस इसके बाद, इट्स नहीं यहां पर इट होगा, यह पिया, इट ड्रैंक, यह पिया ए लिटिल मोर वाटर, थोड़ा सा और ज्यादा पानी। बहुत आसान है बाबू, मैं लास्ट बार बोल देता हूं, हालांकि यह बोलना नहीं चाहिए, इतना में ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कह रहा है कि सांप कैसे पानी पिया, तो सांप पानी पिया, क्वेश्चन से उठाए, द स्नेक डिड हटा ड्रिंक का भी टू ड्रैंक वाटर, याद रखना है कैटल की तरह, लाइक द कैटल हो गया, अपने सीधे मुंह से विथ इट्स स्ट्रेट माउथ हो गया। वह क्या किया बाबू, पानी पीने के दौरान अपने सर को उठाया, तो यह उठाया अपने सर को, सांप के लिए इट उठाना का लिफ्ट, लिप का बी टू लिफ्टेड हो गया, तो इट लिफ्टेड, इट्स हेट अपने पीने से, फ्रॉम इट्स ड्रिंकिंग, और देखा कवि को अस्पष्टता, एंड लुक्ड एट द पोएट विजुअल। उसके बाद झिलमिलाया अपने दो धारी जिह्वा को, झिलमिलाना का फ्लिकर होता है, फ्लिकर का बी टू फ्लिकर्ड होता है, तो इट फ्लिकर्ड अपने दो धारी जिह्वा, इट्स टू फोर टन विथ इट्स लिप्स अपने होठों से, और सोचा एक क्षण के लिए, एंड म्यूज्ड फॉर ए मोमेंट, इसके बाद थोड़ा सा और ज्यादा पानी पिया, आफ्टर इट, आफ्टर दिस इट ड्रैंक ए लिटिल मोर वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक हमारे अखिलेश कुमार हैं, उनको शायद समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि वो लगातार कम से कम 20-25 बार कमेंट किए हैं, और वो पूछ रहे हैं सर ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगी। अच्छी बात है, आप कुछ नहीं समझ रहे, आज आपको मैं रिमूव कर देता हूँ, जब ऑफलाइन खुलेगा तब आप आइएगा, जब भी खुले, जब भी सरकार बोलेगी तब खुलेगा,
ठीक है, आज आपको मैं हटा देता हूँ, जब क्लास खुलेगी तब आकर आप पढ़िएगा अखिलेश जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिसिलियन जुलाई। व्हाट इज द मीनिंग, मीनिंग मिस होता है क्या अर्थ होता है, मीनिंग मिस अर्थ। व्हाट इज द मीनिंग, क्या अर्थ है ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग। सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग का क्या अर्थ है। याद करें जो लड़का कविता पढ़े होंगे उनको याद होगा बाबू कि सिसली एक प्रदेश का नाम था और जुलाई महीना का नाम था। सिसली प्रदेश का नाम था और जुलाई महीना का नाम था। और एटना स्मोकिंग का मतलब क्या होता है सो समझ। एटना एक वोल्केनो का नाम, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी का नाम। जब यह वोल्केनो इरप्ट करती है यानी कि फूटती है, जब यह ज्वालामुखी फूटती है तो सिसली में बहुत ही तेज गर्मी पड़ती है। यानी कभी कहना चाह रहे इस पंक्ति का अर्थ पूछ रहा है बाबू कि सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग का क्या अर्थ। तो बस इस प्रकार से याद रखिएगा कि सिसिलियन जुलाई का मतलब हुआ सिसली में जुलाई का महीना। सिसिलियन जुलाई का मतलब हुआ सिसली प्रदेश का नाम हुआ। सिसिलियन जुलाई का मतलब हुआ सिसली में जुलाई का महीना था। एटना स्मोकिंग का मतलब हुआ यह उतना ही गर्म था वहां जितना यह होता है जब ज्वालामुखी एटना फूटती। इस लाइन को याद रखना, ये पूछने लायक क्वेश्चन है। सिसिलियन जुलाई का मतलब हुआ बाबू कि सिसली में जुलाई का महीना था। तो इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई इन सिसली। मैं बार बार बोल रहा हूं, सिसिलियन जुलाई का मतलब हुआ सिसली में जुलाई का महीना था। इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई इन सिसली। और ये वाला पंक्ति याद रखना, यह उतना ही गर्म था वहां जितना यह होता है जब ज्वालामुखी एटना फूटती। यह उतना ही गर्म था वहां जितना यह होता है जब ज्वालामुखी एटना फूटती। तो यह उतना ही गर्म था। तो इट वॉज एज हॉट देयर, एज जितना यह होता है, इट इज जब ज्वालामुखी एटना फूटती है तब वेन द वोल्केनो एटना फूटना का इरप्ट होता। जब ज्वालामुखी एटना फूटती है, जब का भी ज्वालामुखी का वोल्केनो एटना फूटना का इरप्ट। यह उतना ही गर्म था। इट वाज एज हॉट देयर, एज इट इज जितना यह होता। देखो कितना आसान, कुछ नहीं। पहले वो वाला मैंने क्वेश्चन का फ्रेज उठाया, सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग मींस, ये क्वेश्चन से उठाया डैट की। अब सिसिलियन जुलाई का मतलब क्या हुआ बाबू कि सिसली में जुलाई का महीना था। इस दो शब्द को याद रखना, सिसिलियन जुलाई यानी कि सिसली में जुलाई का महीना था। तो इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई इन सिसली, इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई इन सिसली। सिसिलियन जुलाई का मतलब सिसली में जुलाई का महीना था, यानी कि इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई इन सिसली। अब दूसरा शब्द विथ एटना स्मोकिंग का मतलब हुआ यह उतना ही गर्म था वहां, यह उतना ही गर्म था वहां। तो इट वाज एज हॉट देयर, जितना यह होता है, एज इट इज, बस ये को इसको याद करना। यह उतना ही गर्म था वहां, इट वाज एज हॉट देयर, एज इट इज। कब,
जब ज्वालामुखी एटना फूटती है, वेंदा वोल्केनो एटना इरप्ट्स का मतलब होता है फूटना, यानी कि ज्वालामुखी एटना के फूटने से जितना गर्मी सिसली में पड़ती थी, आज भी जुलाई के महीने में सिसली में उतनी ही गर्मी पड़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन कविता पढ़े होंगे उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन, व्हाट इज द बिलीफ, बिलीफ मिस होता है सोच या विश्वास, प्रिवेली प्रचलित है, इन सिसली सिसली में अबाउट ए स्नेक, एक सांप के बारे में, यानी कि एक सांप के बारे में सिसली क्या सोच प्रचलित, सिसली में लोग सांप के बारे में क्या सोचते हैं? बच्चों को पता होगा दो सांप का वर्णन हुआ है, एक ब्लैक स्नेक का और एक गोल्ड स्नेक का, गोल्ड यानी कि सुनहला गोल्डन। ब्लैक स्नेक को सिसली के लोग इनोसेंट मानते हैं, निर्दोष, ऐसा कल आपने पढ़ा था, और गोल्डन को सिसली के लोग वेनोमस मानते हैं, जिसको पॉइजनस भी कह सकते, विषैला कह सकते। और अगर यह सांप मिले तो यह वेनोमस है, विषैला है, इसलिए इसे मार दिया जाना चाहिए, किल्ड कर दिया जाना चाहिए। कल पढ़ाए थे बाप कि सिसली में दो प्रकार के सांप का वर्णन किया गया था, पहला ब्लैक स्नेक और दूसरा गोल्ड स्नेक। तो ब्लैक स्नेक को लोग इनोसेंट मानते, और गोल्ड यानी कि गोल्डन जो कि येलो कलर का होता, लोग उसे वेनोमस मानते, विषैला। और अगर यह विषैला सांप मिले तो इसे इट मस्ट बी किल्ड, इसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए। तो कहां सिसली में, तो इन सिसली, ऐसा विश्वास किया जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट। अब सांप के बारे में पूछता, सिसली में ऐसा विश्वास किया जाता है, क्या विश्वास किया जाता है कि काले सांप निर्दोष होते हैं, तो कितना आसान है, द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, और जो सुनहला सांप होता है वह विषैला होता है, बट लेकिन द गोल्डन स्नेक आर वेनोमस, विषैला होता, सो इट मस्ट बी किल्ड, इसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन, और अखिलेश कुमार जी इसको भी नहीं समझ रहे, आप ऑफलाइन खुलिएगा तभी आइएगा भैया जी। कहता है व्हाट इज द बिलीफ, क्या सोच प्रिवेलिंग प्रचलित है इन सिसली सिसली अबाउट ए स्नेक, एक सांप के बारे में, यानी कि एक सांप के बारे में क्या सोच प्रचलित है। तो मैंने कविता में पढ़ाया था कि सिसली में दो प्रकार के सांप पाए जाते, एक काला सांप और दूसरा सुनहला सांप। काला सांप को लोग निर्दोष बोलते हैं, इनोसेंट, और गोल्डन स्नेक को लोग वेनोमस, विषैला बोलते हैं, और इसलिए ये मिले तो इसे मार दिया जाना चाहिए। इन सिसली सिसली में इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है कि, क्या विश्वास किया जाता है कि ब्लैक स्नेक्स काले सांप आर इनोसेंट, निर्दोष होते हैं, लेकिन बट जो सुनहला सांप होता है गोल्डन स्नेक्स, चाहे द गोल्डन स्नेक या तो गोल्ड स्नेक्स आर वेनोमस, विषैला होते हैं, और जब यह विषैला होता है तो इसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए, सो इट मस्ट बी किल्ड, इसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए। एक कहता कि हमको कैसे पता चलेगा सर स्नेक वेनोमस है, नीतीश कुमार, गधा, साफ साफ लिखा हुआ कि जो गोल्डन स्नेक है वो वेनोमस होता, यानी कि सुनहला सांप, सुनहला सांप यानी कि जिस सांप का कलर पीला है वह विषैला होता, ऐसा सिसली में पढ़ाया गया था। तो तुमको पीला कलर अगर नहीं पहचान में आता है तो आंख के ऑपरेशन करवा। नेक्स्ट, व्हाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नेक, कहता है व्हाई डिड, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, क्यों वक्ता लाइक, पसंद किए थे सांप, यानी कि वक्ता सांप को क्यों पसंद किए थे, क्यों पसंद किए थे, इसका दो कारण। पहला कारण, वह उसे अपने एक गेस्ट की तरह माने थे बाबू, लाइक ए गेस्ट, एक अतिथि माना था, और दूसरा वह सांप दिख रहा था राजा की तरह, क्योंकि उन्होंने सांप को पाताल लोक का राजा कहा,
कैसे राजा की तरह दिख रहा था। राजा को देखना, प्राचीन समय के जो राजा होते थे वह एकदम शांत स्वभाव के होते थे, पीसफुल होते थे, क्योंकि उग्र लोग कभी राजा नहीं बन सकता। जो उग्र रहेगा, जो गुस्सैला रहेगा, अपने गुस्से के बल पे अपने साम्राज्य को खुद तहस नहस कर देगा, बर्बाद कर देगा। राम को ही देख लो, सम्राट थे, राजा थे, एकदम शांत स्वभाव के थे। तो सांप में भी वही बात था, शांति से आया था, चुपचाप पानी पी रहा था। तो कुछ नहीं करना बाबू, दो लाइन याद रखना है कि कवि ने सांप को पसंद किया था, इसके दो कारण। पहला, उन्होंने सांप को माना था, मानना का कंसीडर होगा या विचारना, एज इज गेस्ट, अपने अतिथि के रूप में। और दूसरा, द स्नेक लुक्ड, दिख रहा था लाइक ए किंग, एक राजा की तरह। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट तो द स्पीकर, ये डिड हटेगा बाप, ये लाइक का भी टू लाइक्ड हो जाएगा। द स्नेक, यहां से यहां तक क्वेश्चन, द स्पीकर लाइक द स्नेक, वक्ता ने पसंद किया था सांप। क्यों पसंद किया? क्योंकि वे उसे माने थे अपने गेस्ट की तरह, अतिथि की तरह, बिकाउज क्योंकि वे माने थे, ही कंसीडर, कंसीडर मिस होता है मानना, किसको? सांप को, द स्नेक, अपने अतिथि की तरह, एज हिज गेस्ट। इतना ही नहीं, सांप दिख रहा था राजा की तरह, द स्नेक ऑल्सो लुक्ड लाइक ए किंग। द स्पीकर डिड हटा लाइक द स्नेक, क्योंकि का होता है बिकाउज, वे माने थे उसे। क्वेश्चन आंसर में टेंस सेम होता है सर, जिस टेंस में डिड दिया हुआ है, वीटू दिया हुआ है, पास्ट टेंस में, इसलिए पास्ट टेंस में जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में जाएगा। द स्पीकर लाइक द स्नेक, वक्ता ने पसंद किया था सांप, क्यों? बिकाउज, वे माने थे सांप को। तो ही कंसीडर, किसको? सांप को, स्नेक, अपने गेस्ट की तरह, एज हिज गेस्ट। और सांप दिख भी रहा था, द स्नेक ऑल्सो लुक्ड लाइक ए किंग। डू यू थिंक, क्या आप मानते हैं? द स्पीकर हैड ए कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट मिस होता है विरोधाभास, इन माइंड, दिमाग। क्या आपको ऐसा लगता है कि वक्ता के दिमाग में विरोधाभास था? विरोधाभास था, दैट मीन्स क्या वक्ता उधेर बुन में फंसे हुए थे? कंफ्लिक्ट मिस आप उलझन भी कह सकते, उधेर बुन, उलझन या विरोधाभास। क्या वक्ता के मन में उलझन था? एक लड़का पूछ रहा है, सुमित कुमार, कि सांप ब्लैक था या गोल्डन गधा? तुम क्वेश्चन की कविता पढ़े ही नहीं, जिसको सांप का कलर नहीं पता वो कैसे क्वेश्चन आंसर समझेगा? हर लड़के को सांप का कलर पता होगा जो भी कविता पढ़े, गोल्डन था भैया जी, गोल्डन। कहता, डू यू थिंक, क्या आप मानते हैं, क्या आप सोचते हैं, द स्पीकर हैड ए कंफ्लिक्ट, वक्ता को उलझन था, उधेर बुन था, विरोधाभास था दिमाग में। हाँ जी, विरोधाभास तो था, उलझन था वक्ता के पास। क्या चीज का उलझन था? कि सांप को मारे या ना मारे, इनकी अंतरात्मा इन्हें झकझोर रही थी कि यदि तुम एक मर्द हो तो तुम इसे मार दो। इनको ऐसा पढ़ाया गया था कि गोल्ड स्नेक वेनोमस होता है, विषैला होता है, इट मस्ट बी किल्ड, इसे बस मार दिया जाना चाहिए। तो मानव शिक्षा भी नहीं याद दिला रही थी कि तुम्हें तो पढ़ाया गया है कि यह गोल्ड स्नेक वेनोमस होता है, सुनहला होता है, तुम इसे मार दो। लेकिन इनका दिल कह रहा था कि सांप चुपचाप आया है पानी पीने के लिए एक राजा की, तुमने उसे अतिथि माना है, इस सांप को ना मार। यानी उलझन था कि सांप को मारे या ना मारे। तो यस, हाँ, द स्पीकर, बस क्वेश्चन उठा को लिख दो, यस हाँ, द स्पीकर हैड ए कंफ्लिक्ट इन माइंड, यस हाँ, द स्पीकर हैड ए कंफ्लिक्ट, हाँ, वक्ता के दिमाग में उलझन था, उधेर बुन था दिमाग में।
क्या दिमाग में उलझन था की का होता है बीदर, ही शुड बी किल्ड, ही शुड किल द स्नेक और नॉट बीदर, ही शुड किल द स्नेक, कि उन्हें मार देना चाहिए सांप को या नहीं। इसको एक तरीके से और लिख सकते हो बीदर के बाद, बीदर के बाद एक तरीके से और लिख सकते हो बीदर इट शुड बी किल्ड और नॉट, कि इसे मार दिया जाना चाहिए या नहीं, इट यानी कि स्नेक को मार दिया जाना चाहिए या नहीं, ऐसा उलझन उनके दिमाग में था। नहीं तो जो लिखा हुआ आप उसको भी लिख सकते हो कि यस द स्पीकर हैड ए कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड, हाँ वक्ता के दिमाग में उलझन था कि बीदर ही शुड किल द स्नेक और नॉट, कि उन्हें सांप को मार देना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द रिएक्शन, रिएक्शन मींस प्रतिक्रिया, रिएक्शन का अर्थ होता है बाबू प्रतिक्रिया, क्या प्रतिक्रिया था आफ्टर हिटिंग द स्नेक, सांप को चोट पहुंचाने के बाद, सांप को चोट पहुंचाने के बाद कवि का क्या प्रतिक्रिया था, कवि को कैसा लग रहा था। आपको पता होगा सांप को चोट पहुंचाने के बाद कवि खेद जताए, दुख प्रकट किया, उन्हें अफसोस हुआ, अफसोस का होता है रिग्रेट, रिग्रेट मिस होता है अफसोस करना, क्योंकि उन्होंने इस कार्य को तीन चीज की संज्ञा दी थी, पहला उन्होंने इस कार्य को पाल्ट्री माना था घटिया, दूसरा बलगर माना था निम्न, कल भी बताया पाल्ट्री मिस घटिया, बलगर मिस होता है निम्न, अमीन मिस होता है तुच्छ। तो आफ्टर हिटिंग द स्नेक क्वेश्चन से उठाएं बाबू, सांप को चोट पहुंचाने के बाद कवि ने खेद प्रकट किया बहुत ज्यादा, कवि ने अफसोस किया, रिग्रेट मींस अफसोस करना या पश्चाताप करना, कवि ने अफसोस किया बहुत ज्यादा, तो द स्पीकर वक्ता चाहे द पोएट भी लिख सकते हैं, अफसोस किया पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में जवाब दे रहे हैं रिग्रेट का, वी टू रिग्रेटेड, रिग्रेटेड ए लॉट आफ्टर हिटिंग द स्नेक, सांप को चोट पहुंचाने के बाद वक्ता ने अफसोस किया, द स्पीकर रिग्रेटेड ए लॉट, ये वाला शब्द याद रखना, रिग्रेट अफसोस पहुंचा, अफसोस होना, पश्चाताप करना, आफ्टर हिटिंग द स्नेक सांप को चोट पहुंचाने के बाद वक्ता द स्पीकर अफसोस किया, रिग्रेटेड ए लॉट बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ, he felt his hitting, उन्होंने महसूस किया अपने चोट पहुंचाने को सांप को, बाजे पाल्ट्री, वो तीन शब्द याद रखना, पाल्ट्री घटिया, बलगर निम्न, मीन तुच्छ कार्य, सो ही वांटेड टू एक्सपिएट, इसलिए वे प्रायश्चित करना चाहते, प्रायश्चित करना चाहते यानी कि दुख प्रकट करना चाहते। तो बोलता है बाबू भाट बाज ही जे रिएक्शन, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी आफ्टर हिटिंग द स्नेक, सांप को चोट पहुंचाने के, तो आफ्टर हिटिंग द स्नेक सांप को चोट पहुंचाने के बाद कभी ने खेद प्रकट किया, अफसोस किया बहुत ज्यादा, द स्पीकर रिग्रेटेड ए लॉट, क्यों, क्योंकि ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया हिज हिटिंग द स्नेक, सांप को चोट पहुंचाने का जो कार्य था वह बाजे पाल्ट्री घटिया कार्य था, बलगर निम्न कार्य था, मीन तुच्छ कार्य था, इसीलिए वे चाहते थे एक्सपिएट प्रायश्चित करना, क्यों घटिया, क्यों निम्न, क्यों तुच्छ मान, क्योंकि वह सांप निर्दोष था, कभी को कोई हानि नहीं पहुंचाया था, इसीलिए उन्होंने जो है इस कार्य को घटिया माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भाट थिंक कौन सी चीज अबाउट द स्नेक, सांप के बारे में, कौन सी चीज सांप के बारे में, अपील, अपील मिस होता है बाबू पसंद करना या तो पसंद आना या तो प्रभावित करना, प्रभावित करना, कौन सी चीज सांप का प्रभावित किया, कभी को पसंद आया सबसे ज्यादा,
ऐसा कौन सा चीज जो सांप का सबसे ज्यादा पसंद आया कभी? व्हाट थिंग, कौन सी चीज अबाउट द स्नेक, सांप के बारे में अपील ही मोस्ट, उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आया। एक लड़का पूछ रहा रिग्रेट का साइनोनिम क्या होगा सर? रिग्रेट का साइनोनिम आप एक्सपिएट लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, अफसोस करना या प्रायश्चित करना। जो अफसोस करता है वो प्रायश्चित ही करता है। बाबू कहता कौन सा चीज सांप का सबसे ज्यादा पसंद आया कभी या बकता? तो क्या चीज? दो चीज। पहला गेस्ट की तरह आया था और राजा की तरह दिख रहा था, यही सबसे ज्यादा पसंद आया था कभी। तो कमिंग लाइक ए गेस्ट, एक अतिथि की तरह आना, एंड लुकिंग लाइक ए किंग, और एक राजा की तरह दिखना, अपील्ड द स्पीकर मोस्ट। डिड हटा बाबू, यानी कि पास्ट टेंस में पूछ रहा था कौन सा चीज पसंद आया, तो अपील्ड हिम मोस्ट या तो अपील्ड द स्पीकर मोस्ट। वक्ता को दो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित, पहला एक गेस्ट की तरह आना और एक राजा की तरह दिखना। एक बार पर हो गई ये लाइन याद हो जाएगी, कमिंग लाइक ए गेस्ट, एक अतिथि की तरह आना, और लुक्ड लाइक ए किंग, और एक राजा की तरह दिखना। अपील्ड, प्रभावित किया, द स्पीकर मोस्ट, वक्ता को सबसे ज्यादा। अगर आप इतना तक भी लिख दो तो आपका काम बन जाएगा, बाकी मैं आगे बढ़ा रहा हूं बाबू। बिसाइड्स, इसके अलावे, बिसाइड्स मिस होता है इसके अलावे, एक्टिविटीज ऑफ द स्नेक, सांप का क्रियाकलाप, सांप कैसे कैसे पानी पी रहा था, सच जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी, फ्लिकरिंग इट्स टंग, अपने जिह्वा को झिलमिलाना, एंड ड्रिंकिंग इट्स लिप, और अपने होठों को चाटना, ऑल्सो अपील्ड द स्पीकर मोस्ट, कवि को, वक्ता को प्रभावित किया सबसे ज्यादा। बहुत आसान। कहता है कौन सा चीज सांप का वक्ता को प्रभावित किया सबसे ज्यादा? तो याद करेंगे बाबू, एक हुआ अतिथि की तरह आना, तो कमिंग लाइक ए गेस्ट, और एक राजा की तरह दिख, एंड लुकिंग लाइक ए किंग, अपील्ड द स्पीकर मोस्ट, सबसे ज्यादा प्रभावित। इसके अलावा जो सांप का क्रियाकलाप था, कार्य करने का तरीका था, जैसे पानी पीना, अपने होठों को चाटना, अपने जिह्वा को झिलमिलाना, ये भी वक्ता को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो बिसाइड्स मिस होता है इसके अलावा, सांप का क्रियाकलाप, द एक्टिविटीज ऑफ द स्नेक, जैसे सच है ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीना, अपने जिह्वा को झिलमिलाना, झिलमिलाना का फ्लिकर होता है अंदर बाहर करना, फ्लिकरिंग इट्स टंग, अपने जिह्वा को झिलमिला, एंड ड्रिंकिंग इट्स लिप्स, और अपने होठों को चाटना। यहाँ पर ड्रिंकिंग की जगह ज्यादा बढ़िया लिकिंग होगा, लिक मिस होता है चाटना बाबू, एंड लिकिंग इट्स लिप्स, अपने होठों को चाटना, ऑल्सो अपील्ड द स्पीकर, ये भी काम जो है सो प्रभावित किया था वक्ता को। कौन कौन सा काम? सबसे पहला कमिंग लाइक ए गेस्ट, एक अतिथि की तरह, एंड लुकिंग लाइक ए किंग, और एक राजा की तरह दिखना, एक राजा की तरह दिखना, अपील्ड द स्पीकर मोस्ट, वक्ता को प्रभावित किया था सबसे ज्यादा। इसके अलावे सांप का क्रियाकलाप, बिसाइड्स द एक्टिविटीज ऑफ द स्नेक, कौन कौन से कहा? सच है जैसे कि पानी पीना, ड्रिंकिंग वाटर, अपने जीवा को झिलमिलाना, फ्लिकरिंग इट्स टंग, और अपने होठों को चाटना, एंड लिकिंग इट्स लिप्स, लिक मिस चाटना होता है, ऑल्सो स्पील्ड द स्पीकर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कहता है व्हाट इज द सीन, और थोड़ा सा वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि आप क्लास में रहते हैं तो 40 मिनट में 3 से 4 क्वेश्चन होता है, या ऑनलाइन में 40 मिनट में 10 से 11 क्वेश्चन हो जाता है, तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा। आप वीडियो को पॉज करके बार बार देखिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर आपको समझ में आएगा, और सब लोग समझ जाइएगा ऑनलाइन में, ये पॉसिबल नहीं है बाबू, ये पॉसिबल नहीं है।
अपने आप पर आपको अफसोस भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है जब परीक्षा होगी तो आपका इंग्लिश का मार्क्स अच्छा ही उठाएगा। अगर 2-3 महीने भी क्लास खुलती है ऑफलाइन तो उतना में मैं मेकअप कर सकता हूँ जैसा पिछले साल हुआ था। लेकिन अभी जितना होता है उतना आप करते चलिए, कुछ ना कुछ शिक्षा ही मिलेगी और कम से कम ऑब्जेक्टिव और समरी याद करते चलिए। कहता भाटी दस सिंह सीन में सोता है पाप, कौन से पाप कमिट किया गया था वक्ता के द्वारा, कौन सा पाप वक्ता के द्वारा किया गया था, द स्पीकर ऑफ द पोयम अस्नेक, अस्नेक कविता के वक्ता के द्वारा कौन सा पाप किया गया था, दैट ही वांटेड टू एक्सपिएट, जिसे वे चाहते थे प्रायश्चित करना। कवि ने ऐसा कौन पाप किया था जिसका वे अफसोस करना चाहते थे, प्रायश्चित करना चाहते थे, क्या पाप किया, सांप को चोट पहुंचाया बिना कोई कारण, सांप को चोट पहुंचाया था बिना कोई कारण का, कोई कारण नहीं था सांप को चोट पहुंचाने का, सांप को मारने का, क्योंकि सांप इन्हें हानि नहीं पहुंचा रहा था। एगो लिख रहा है नेशनल नहीं बच पाता है सर, अब आप लोग भी उसका क्वेश्चन समझिए कि नेशनल नहीं बच पाता है इसका मतलब क्या होता, हम तो नहीं समझ रहे। अपील्ड मिस होता है प्रभावित करना बाबू, अपील का अर्थ होता है प्रभावित करना। चलिए तो कौन सा पाप किया गया था वक्ता के द्वारा, सांप को चोट पहुंचाया, क्यों सांप को चोट पहुंचाया, क्योंकि जो इन्होंने ह्यूमन एजुकेशन मानव शिक्षा अर्जित किया था इस दुनिया से उसी से ये विवश हो गए, क्योंकि उस मानव शिक्षा में इन्हें बताया गया था कि गोल्ड स्नेक जो होता है बेनुमस होता है विषैला होता है, अगर ये तुम्हें मिले तो उसे तुम मार देना, ऐसा इन्हें शिक्षा दी गई थी उसी ह्यूमन एजुकेशन से, उसी मानव शिक्षा से ये विवश होकर ये चोट पहुंचाते हैं सांप को बिना कोई कारण का, विदाउट एनी गुड रीजन। तो विवश होना का कंपेल होता है बाबू, तब बिंग कंपेल्ड, विवश होकर बाय द वॉइस ऑफ हिज एजुकेशन, अपने शिक्षा की आवाज से विवश होकर, बिंग कंपेल्ड विवश होकर बाय द वॉइस ऑफ एजुकेशन, अपने शिक्षा की आवाज से विवश होकर, विच ही वाज रिसीव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, जिसे उन्होंने प्राप्त किया था इस दुनिया से, यानी कि इस दुनिया में उन्हें पढ़ाया गया था, सिसली में उन्हें पढ़ाया गया था, तो बिंग कंपेल्ड बाय द वॉइस ऑफ द एजुकेशन, अपने शिक्षा की आवाज से विवश होकर, विच ही वाज रिसीव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, जिसे वे प्राप्त किए थे संसार से, अगर इस लाइन को नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, बस इतना ही लिखे कि बिंग कंपेल्ड विवश होकर बाय द वॉइस ऑफ हिज एजुकेशन, अपने शिक्षा की आवाज से विवश होकर, द स्पीकर हिट्स द स्नेक, स्पीकर यानी कि वक्ता चोट पहुंचाते हैं सांप को विदाउट एनी गुड रीजन, बिना कोई कारण का, इस लाइन को हटा ही दो तुरंत याद हो जाए, अपने शिक्षा की आवाज से विवश होकर, बिंग कंपेल्ड विवश होकर By the voice of his education, अपने शिक्षा की आवाज से विवश होकर, वक्ता चोट पहुंचाते हैं, the speaker hits the snake, वक्ता चोट पहुंचाते हैं, the speaker hits the snake without any good reason, being compelled विवश होकर, By the voice of his education, अपने शिक्षा की आवाज से विवश होकर, वक्ता चोट पहुंचाते, द स्पीकर हिट्स द स्नेक विदाउट एनी गुड रीजन, और इसी का वे प्रायश्चित करना चाहते हैं, इसी को वे पाप के रूप में लेते हैं। लेटर ऑन मिस होता है बाद में, ही लेटर ऑन यानी कि वे बाद में टेक्स इट, इसे लेते हैं एक पाप के रूप में और चाहते हैं एक्सपिएट करना यानी कि प्रायश्चित करना। तो यही आपका 11 क्वेश्चन था। एक लड़का पूछ रहा एजुकेशन का मतलब क्या होता है, बताइए अभिरंजन जी आप ये भी नहीं जानते, एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है बाबू, एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है, कंपेल का मतलब विवश होना,
एक्सपिएट का मतलब प्रायश्चित करना बताया गया था, समरी कल होगा, समरी कल होगा, कल समरी ही होगा, आज जितना भर है। आशा करता हूँ जनरली बच्चे समझे होंगे, कुछ को कम भी समझ में आया होगा वे बच्चे दोबारा देखिएगा और रटने की कोशिश कीजिएगा। बाप आपको स्टडी मटेरियल में आज सारा कुछ डाल दिया जाए, अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी सेशन छोड़कर जा सकते हैं। अरे रिपीट हो रहा है आवाज, एक दो को होता है बाप, अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ग्यारह नंबर फिर से, कौन सा पाप किया था, सांप को चोट पहुंचाया था, तो द स्पीकर हिट्स दास ने, नीचे से लिख दे, द स्पीकर हिट्स दास ने विदाउट एनी गुड रीजन, वक्ता ने चोट पहुंचाया था सांप को बिना कोई कारण से, ये लेटर वे बाद में लेते हैं इसे एक पाप के रूप में और चाहते थे प्रायश्चित करना एंड बाउंस टू एक्सपियर। कमिट का मतलब करना, कमिट ए क्राइम अपराध करना, प्रिवेलिंग मतलब प्रचलित, जब क्वेश्चन बता रहे थे बाबू वहां लिख दिए थे प्रिवेलिंग का मतलब प्रचलित होता है, प्रचलित। प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, पास्ट में दिया हुआ रहता है। चलिए जो सेशन छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं क्योंकि आपका खत्म हो गया। एक छोटू कुमार 12 भी है सर, 12 नहीं होगा कल बता देंगे बाप, क्योंकि अब ज्यादा हो रहा है, एक क्वेश्चन कल बता देंगे, कल 12 बता देंगे। फ्लिकर मतलब झिल मिलाना होता। चार थोड़ा फिर से, जिस समय चार पढ़ाए थे बाबू वहां पे वीडियो पॉज करके एक दो बार देख लेना, बिसाइड मिस के अलावे होता, इसके अलावे। चलिए आज इतना भर ही, बाकी आप लोग देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा, जिनको दिक्कत होगा फोन करके पूछ सकते हैं। एक्सपिएट मिस प्रायश्चित करना 10 बार बोले हैं।